नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं 4 मिनट 18 मंडल से। 19 नवंबर को वाराणसी आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी तमिल संगम में करेंगे उद्घाटन, तमिलनाडु के छात्रों से करेंगे बातचीत। काशी तमिल संगम की शुरुआत से पहले आज वाराणसी में कई कार्यक्रम। सहारनपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ा, जिला अस्पताल में एक बेड पर 3-3 मरीज, अन्य ड्यूटी डॉक्टर ने बताया। रोज आ रहे हैं बुखार के 70 मरीज, सीएमओ ने माना सब व्यवस्था ठीक है। झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला, गाड़ी में टक्कर मारने का लगाया आरोप। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नैनागढ़ चौकी के पास की घटना। रुद्रपुर में बार काउंसिलिंग के आह्वान पर अधिवक्ताओं की हड़ताल, का अधिवक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का किया जा रहा है विरोध। हरिद्वार पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 2 महीने की मेहनत के बाद पकड़ा गया आरोपी। पोक्सो का आरोपी किया गया गिरफ्तार, अलग अलग जगहों से चुराए गए 2 बच्चे भी बरामद। संत कबीर नगर में ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक कार्यालय के मुख्य गेट पर जड़ा ताला, अपनी मांग को लेकर ग्राम प्रधान कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। नवनियुक्त बीडीओ रामानंद वर्मा की कार्यप्रणाली से प्रधानों में आक्रोश, मौके पर पहुंचे एनआरएलएम के अधिकारी समझाने बुझाने में जुटे। एटा पुलिस ने एटीएम काटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश, लूट के 11 लाख सहित 3 एटीएम लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। डीआईजी ने सफल अनावरण करने वाले पुलिस टीम को 50,000 का नकद पुरस्कार दिया। अलीगढ़ के बूथ विहार डिपो में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली संविदा कर्मी की लाश, रोडवेज कर्मचारियों में मचा हड़कंप, परिजनों ने लगाई हत्या का आरोप। फतेहपुर के मुसेपुर गांव में पुलिस ने अज्ञात महिला का शव किया बरामद, 65 साल बताई गई महिला की उम्र। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, महिला की शिनाख्त में जुटी पुलिस। ललितपुर में दबंग ग्राम प्रधान कर रहा है दिव्यांग की जमीन पर कब्जा, न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है दिव्यांग। लगातार शिकायत के बावजूद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। बिजनौर में तेज रफ्तार, 2 बाइक आपस में भिड़ी, बाइक पर सवार युवकों ने अस्पताल में तोड़ा दम। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर में दर्जनों ग्रामीणों से रकम दोगुनी करने का लालच देकर ठगी, 15 वर्षों से नहीं मिला ग्रामीणों का रुपया। ग्रामीणों ने गांव के ही एक युवक पर लगाया ठगी का आरोप, पीड़ितों ने एसडीएम से शिकायत कर लगाई न्याय की गुहार। लखनऊ से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेसवे में फौजी को टीटीई ने दिया धक्का, फौजी के दोनों पैर कटे, साथी फौजियों ने बरेली स्टेशन पर जमकर किया हंगामा। फतेहपुर में दहेज में कार की मांग को लेकर जमकर हंगामा, युवती ने निकाह से किया इनकार। लड़की पक्ष की तहरीर पर दुल्हा समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। एलडीएवीसी ने की आम लोगों की समस्याओं की सुनवाई, लोगों ने की रजिस्ट्री, नामांतरण और साथ ही फ्री होल्ड संबंधी शिकायतें। कर्मचारियों को पत्रावलियों की जल्द से जल्द निस्तारित करने के दिए निर्देश। अलीगढ़ में दबंगों से परेशान लोग गांव छोड़ने पर मजबूर, तहसील और पुलिस से नहीं मिल रहा है न्याय। दबंगों ने जमीन पर कब्जा करने का किया प्रयास, विरोध करने पर पीड़ित के साथ दबंगों ने की मारपीट। अमेठी में यातायात महाजागरूकता रैली को अमेठी एसपी ने दिखाई हरी झंडी, 20 ई रिक्शा चालक के रिक्शे में लगाए गए रिफ्लेक्टर, लोगों से यातायात नियम का पालन करने का आग्रह किया गया। हमीरपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के कैशियर ने किया 54 लाख का घोटाला, शाखा प्रबंधक ने कैशियर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, कैशियर को निलंबित कर जांच करवाई जा रही है।